Assalamualaikum. In this video, we are going to learn how to set video in body background using pure CSS. जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम HTML पेज में CSS की मदद से एक वीडियो लगा सकते हैं और वो कंप्लीट जिस तरह से हम बैकग्राउंड पे इमेज लगाते हैं, सेम उस तरह से हम बैकग्राउंड में एक वीडियो लगा देंगे, जिस तरह से आप बैक में देख सकते हो कि एक हमारे पास वीडियो जो है वो चल रही है, हल्की हल्की ये चल रही है। और मैं ये भी आपको यानी इसमें बताऊंगा कि आप अगर कोई फ्री वीडियोस लेना चाहते हो तो आप किस तरह किस वेबसाइट से जाके इस तरह की या इससे भी बेहतर जो वीडियोस हैं वो आप ले सकते हो। और चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आता हूँ अपने कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे। मैं आपको इसका HTML का कोड दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक हमने सेक्शन का टैग लिया, उसको हमने क्लास लगाई कंटेनर। कंटेनर के बाद हमने हेडर का टैग लिया, हेडर के बाद हमने इसमें एक लगा दिया लोगो, फिर एक इसको क्लास एक डी ली, उसको क्लास दी लोगो। लोगो के अंदर स्पैन का टैग, स्पैन के अंदर हमने लिख दिया क्रिएटिव बाबर, जो कि हमारे चैनल का नाम है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक टॉगल आइकन लिया, उसमें हमने क्लास लगा दी क्लास आइकन, दैट्स इट। और यहाँ पे हमारा हेडर का जो टैग है वो क्लोज हो गया। उसके बाद हमने एक वीडियो का टैग लिया, तो वीडियो का हमने जिस तरह से अगर आपने अगर HTML वाली सीरीज देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वीडियो को हम जब लगाते हैं तो वीडियो, उसके बाद SRC में वीडियो का सोर्स, मतलब वीडियो हमारी किस फोल्डर में पड़ी है उसका सोर्स वो हमने दिया। उसके बाद हमने इसको कर दिया म्यूटेड। म्यूटेड का मतलब है कि इसकी जो बैकग्राउंड में कोई वॉइस होगी तो वो नहीं आएगी। म्यूटेड का मतलब लूप का मतलब होता है कि ये कंटिन्यूसली चले, मतलब अगर 4 सेकंड की वीडियो 4 सेकंड कंप्लीट होने के बाद दोबारा फिर चल, बस ऑटोमेटिकली ये चलती रहे। और ऑटो प्ले का मतलब है कि हमें इसे क्लिक करके प्ले ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली प्ले हो। और उसके बाद वीडियो का टैग हमने यहाँ पे कर दिया क्लोज। और यहाँ पे एक डिव हमने ली क्लास ओवरले, इसके ऊपर हम एक ओवरले लगाएंगे, इसके ऊपर एक कलर लगाएंगे। और उसके बाद नीचे हमने एक और डिव ली, उसको हमने क्लास लगाई टेक्स्ट के अंदर हमने एक हेड H1 का टैग लिया, उसमें हमने लिख दिया क्रिएटिव बाबर। फिर P का टैग लिया, उसमें हमने पैराग्राफ लगा दिया। A का टैग, उसमें हमने लिख दिया डिस्कवर मोर, और दैट्स इट। अब और यहाँ पे सेक्शन का टैग भी एंड हो गया। उसके बाद हमने एक डिव ली, उसमें हमने मेन्यूज लगा लिए। और ये आपका नीचे जावास्क्रिप्ट का कोड है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि अगर तो आप लोग जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हो तो जावास्क्रिप्ट के लिए अलग 60-day जावास्क्रिप्ट कोर्स मौजूद है। एडवांस लेवल का जावास्क्रिप्ट कोर्स है जिसमें मैं आपको जावास्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट बिल्डिंग सिखा रहा हूँ। इस तरह से ये आप CSS 60-day CSS देख रहे हो ना, सेम उस तरह से 60-day जावास्क्रिप्ट है, वो आप एक दफ़ा चैनल पे जाके देख सकते हो। ये जो कंटेंट है जावास्क्रिप्ट का, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या इसे एक फाइल में इंक्लूड कर दूंगा, आप नीचे क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आप अपने पेज में इंक्लूड कर लीजिएगा। मैं आपको समझा दूंगा कि ये काम किस तरह से कर रहा है, इन डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट क्लास नहीं है। दैट्स इट, इतना हमारे पास था। अच्छा, ये मेन्यूज हमने क्यों लगाए, क्योंकि जब भी बैकग्राउंड में हमने अगर कोई वीडियो लगानी है तो बैकग्राउंड में वीडियो अकेली नहीं होनी, उसके ऊपर कॉन्टेंट भी होना जिस तरह ये टेक्स्ट है, और साथ में एक नैव बार भी होनी है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये इसके साथ एक नया बार ओपन हो रही है। सिंपल बैकग्राउंड किसी ने नहीं आपको ये लगाना, मतलब सिंपल बैकग्राउंड नहीं लगा होगा वीडियो में, उसके ऊपर बकायदा तौर पर कंटेंट होगा, क्योंकि वेबसाइट में हमारे पास कंटेंट होता है, अकेली वीडियो तो हमने नहीं लगानी है। तो बकायदा इसमें मैं आपको कंप्लीट एक वीडियो हैडर भी क्रिएट करना सिखाऊंगा, किस तरह से आप एक कम्प्लीट वीडियो हैडर क्रिएट कर सकते हो। अब इसको क्लोज किया, ये क्लोज रहा, देखें बिल्कुल प्योर जिस तरह से टॉगल मेन्यू होते हैं उस तरह से ये हमारे पास मेन्यू, और बहुत अच्छा इफेक्ट भी आ रहा है। अच्छा, इसके लिए आता हूँ अपने कोड एडिटर में अब, और मैंने HTML का टैग कोड भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, साथ अब उसका मैं लाइव प्रीव्यू ओपन करता हूँ। इसके लिए मेरे पास कौन सी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, इसके लिए मेरे पास एक तो ये वीडियो मौजूद हो, जो कि ये मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं आपको चला कर दिखाता हूँ, अभी ओपन हो जाती है। तो ये इसके बैकग्राउंड में ये वीडियो चल रही है, तो एक मेरे पास ये वीडियो मौजूद हो, स्मोक टाइप है। अच्छा, एक तो ये हमारे पास वीडियो होगी, उसके बाद हमारे पास एक इसमें आइकन हो गया बर्गर मेन्यू का, और उसके बाद एक क्लोज मेन्यू का हमारे पास आइकन हो गया SVG। ये आप किस तरह से सिंपली आप गूगल पे सर्च करो, आपको ये मिल जाएंगे। तो ये किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। ये इसका कलर है ना वाइट, इसलिए आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो यहाँ पर मैं इसका फेल कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर इसका फेल कलर मैं कर देता हूँ रेड। अब देखो ये रेड वाला आइकन आ रहा है, सेम इस तरह से वो 3 डॉट्स वाला जो आइकन होता है
वो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले होगा ये बर्गर वाले में। अगर ये बर्गर वाला आपके सामने ओपन करूँ ये वाला, और इसका भी फेल मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाऊँ, क्योंकि SVG है ना, SVG के लिए इंटायर कोर्स अलग से भी आएगा। अगर आप वीडियो लेट देख रहे हो तो मे भी आप यानी पास पड़ा भी हो चैनल, एक दफ़ा चैनल क्लास में विजिट कर लीजिएगा। ये हमारे पास 3 डॉट्स वाले जो आइकन है वो भी हमारे पास SVG मौजूद है, और क्लास वाला SVG जो है वो भी मौजूद है आइकन, क्योंकि मैं आपको कस्टम इसमें आइकन क्रिएट करना नहीं सिखा रहा, क्योंकि फिर वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें मैं SVG यूज़ कर रहा हूँ, एक बैकग्राउंड वीडियो। अब बैकग्राउंड वीडियो आपने कहाँ से लेनी है, आपने सिंपली आना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना pixel.com/videos। इसमें हम आपके पास बहुत सी वीडियोज़ हैं, यहाँ पर आप इसके लाइसेंस पढ़ सकते हैं, जो नॉर्मल फ्री में डाउनलोड करने के लिए देते हैं वो कमर्शियल यूज़ के लिए होते हैं, आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके पास बहुत सी वीडियो मौजूद है, आप इसमें इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत प्यारी प्यारी वीडियोज़ इसमें मिल जाएंगी। तो अब आपको पता चल गया आपने वीडियो कहाँ से लेनी है, क्लिक करोगे आगे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद आइकन भी मैंने आपको बता दिया, आइकन के लिए आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो कि फ्री SVG, और यहाँ पर लिख दो टॉगल या बर्गर कोई भी आप लिख दो तो आपको मिल जाएगा। फ्री SVG टॉगल, यहाँ पर इमेज पे आओ, और यहाँ पे आपको देखो कितने तरह के SVG जो आपको मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे बर्गर लिखोगे तो आपको बर्गर मिल जाएगा, बर्गर वाला मिल जाएगा, बर्गर मेन्यू वाला, ये बर्गर है बर्गर मेन्यू। या आप इसमें टोगल मेन्यू लिखो तो आप ये आपको मिल जाएगा, 3 लाइन्स ही आ गया टोगल मेन्यू, ये आपको SVG मिल गया। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे अगर लिख दो क्लोज SVG क्लोज मेन्यू, तो आपको क्रॉस वाले मिल जाएंगे, तो आप इसमें कोई भी आप फ्री वाला आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ऑलमोस्ट ये सारे SVG फ्री ही होते हैं। अब आपको पता चल गया कि आपने SVG कहाँ से लेनी है, और आपको वीडियो का भी पता चल गया, आपको कंटेंट आपको पता चल गया कंटेंट आपने किस तरह से लेना है। आप सारे जो जो काम वो होगा हमारी स्केल पर, ये हमारी स्केल कितनी मजबूत है। ये हमारे पास कोडिटर आ गया, और ये हमारे पास लाइव प्रीव्यू आ गया। अब लाइव प्रीव्यू हमारे पास वीडियो चल रही है, क्योंकि हमने वीडियो इसमें लगा दी हुई है। बहुत है स्टाइल में, स्टाइल में सबसे पहले इसमें बॉडी को मैं डिफाइन करूँगा, बॉडी, और उसे मैं लगाऊँगा फॉन्ट फैमिली, इसको मैं लगाऊँगा रोबोटो और सैन सेरिफ, वो इसमें लगा दी। और उसके बाद मैं इसको दूँ यहाँ पे, बल्कि अभी मैं बाद में इसका और फ्लेम बाद में समझाऊँगा, कंटेनर, और कंटेनर के अंदर मैं इसको दूँगा पैडिंग, इसे हम देंगे 100 पिक्सल, और 100 पिक्सल, और साथ में पोजीशन इसे देंगे एब्सोल्यूट और राइट 0, डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स नॉट अलाइन आइटम्स सेंटर, और बैकग्राउंड से दूंगा RGB, और वो इसे मैं दूंगा 34.34.34, और साथ उसका हम देंगे कलर, फॉन्ट कलर इसको दूंगा वाइट, और ट्रांजिशन इसके ऊपर लगाएंगे, ट्रांजिशन इसके ऊपर मैं लगाऊंगा राइट। जब इसमें राइट वाला मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो राइट वाली जो प्रॉपर्टी है वो 500 मिली सेकेंड और लीनियर, ये उसके ऊपर एक ट्रांजिशन लगेगी। उसके बाद इसमें जो वीडियो का टैग है उसमें पहले स्टाइल करता हूँ वीडियो, और यहाँ मैं इसको लिखता हूँ .container के अंदर वीडियो का टैग, और उसको पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 0 0 और लेफ्ट 0, और साथ में इसके हम देंगे विड्थ 100%, हाइट 100%, 100% में हमारे पास वीडियो लग गई। उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्ट फेट है वो इसको दूंगा मैं कवर, ऑब्जेक्ट फेट वो कर दूंगा इसको कवर, तो जितनी इसके हमने हाइट वेट दी उस हिसाब से ये अपने आप को कवर कर लेगा। अच्छा, इसकी जो यहाँ पे हाइट है 100% के बजाय यहाँ पे आप 100 VH कर दो,
बल्कि यहाँ पे हम 100% करते हैं, यहाँ पे हम इसकी 100 VH कर देते हैं हाइट, हाइट 100 VH और विड्थ 100%, ये हम इसके ऊपर लगा दी। और फिर यहाँ पे मैं इसको जी इंडेक्स लगा दूंगा, जी इंडेक्स इसको मैं लगाऊंगा 1, और इसको अगर मैं -1 करूँ तो जो कंटेंट है वो इसके ऊपर डिस्प्ले होगा। तो इंस्टेड ऑफ -1 मैं इसमें 1 ही लगा देता हूँ, बल्कि मैं पहले कंटेंट को स्टाइल कर लेता हूँ, उसके मैं ये इसका बैकग्राउंड कलर जो है उसको मैं यहाँ पे कॉमेंट कर देता हूँ। अभी हमारे पास बैकग्राउंड में आपके पास वीडियो भी चलती रहेगी, साथ में हम इसका जो कॉन्टेंट है वो भी क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद नीचे हम इसमें कॉमेंट करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हैडर इमेज एंड कॉन्टेंट, एक कमेंट लगा दिया और डॉट कंटेनर, और उसके अंदर जो हमारे पास हेडर का टैग है उसको पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट, और साथ में टॉप, टॉप उसे हम देंगे 0, लेफ्ट भी 0, और जी इंडेक्स को देंगे हम 100, ताकि ये इसका जो कंटेंट होगा वो ऊपर हमारे पास डिस्प्ले हो। और विड्थ हम इसकी हम करेंगे 100%, और पैडिंग इसकी हम करेंगे 20 पिक्सल और 100 पिक्सल लेफ्ट राइट से। डिस्प्ले हम इसका करेंगे यहाँ पे फ्लेक्स और अलाइन आइटम्स, सेंटर जस्टिफाई कंटेंट, फाइव कंटेंट स्पेस बिटवीन, इनके दरमियान हमारे पास स्पेस हो। तो ये हमारे पास ये क्रिएटिव आवर लगा। अभी जो इमेज में लगाऊंगा, मतलब जिसमें हम वो क्लोज वाला आइकन लगाएंगे और बर्गर वाला, तो हम हमारे पास इस तरह से डिस्प्ले। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हेडर के अंदर जो आइकन है कि हेडर, और हेडर के अंदर हमारे पास इमेज का टैग और साथ में आइकन वाली जो क्लास है उसको हम विड्थ देंगे 40 पिक्सल, और हाइट जो है वो भी सम करेंगे 40 पिक्सल, और लोगो है डॉट हेडर और डॉट लोगो, अच्छा डॉट नहीं आएगा इसका, डायरेक्ट हेडर का टैग है डॉट लोगो, और लोगो के अंदर हम डिस्प्ले से देंगे फ्लेक्स और अलाइन आइटम्स सेंटर। उसके बाद लोगो के अंदर जो स्पैन का टैग है, लोगो और लोगो के अंदर स्पैन का टैग, उसको हम यहाँ पे कलर देंगे वाइट, और साथ हम इसको देंगे फॉन्ट साइज 1.4 rem, फॉन्ट वेट 700, और उसके बाद इमेज हेडर के अंदर जो आइकन इमेज है हेडर डॉट आइकन, और आइकन के अंदर जो हमारे पास इमेज का टैग है वो, और उसमें हम बैकग्राउंड हम देंगे बैकग्राउंड RGBA देंगे RGBA, रेड भी 0, ग्रीन भी 0 और ब्लू भी 0, अल्फा हम इसको कर देंगे 0.7, और पैडिंग हम इसे हम देंगे 5 पिक्सल, और साथ में बॉर्डर रेडियस वो इसे हम कर देंगे 10 पिक्सल, दैट्स इट। उसके बाद जो हेडर के अंदर आइकन है यहाँ पे, तो उसकी पोजीशन हम करेंगे यहाँ पे रिलेटिव, और साथ में हम उसको देंगे कर्सर पॉइंटर, और यहाँ पे हम लगाएंगे इसके बैकग्राउंड इसमें हम लगाएंगे URL, और हम उस इमेज को कर देंगे लिंक। तो हमारा जो इमेज है वो एसेट के अंदर हमारे पास burger.svg, तो क्लिक किया तो हमारे पास जो बर्गर वाली svg है वो यहाँ पे हमारे पास लग जाएगी। तो उसका यहाँ पे पहले बैकग्राउंड साइज भी डिफाइन कर देते हैं, बैकग्राउंड साइज वो इसका हम करेंगे 30 पिक्सल, ताकि हमारे पास वो सही से डिस्प्ले हो। तो ये आगे अभी हमारे पास भी सही तरह से शो नहीं होगी,
तो उसको मैं बैकग्राउंड रिपीट जो इसका बैकग्राउंड रिपीट वो इसको कर दूंगा नो रिपीट। तो हमारे पास एग्जैक्ट जिस तरह से वो आइकन लगा हुआ है सेम उस तरह से हमारे पास आइकन जो इसमें आ जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर हम ओवरले जो है वो लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा ओवरले। तो यहाँ पे ओवरले के लिए हमारे पास अलग से भी मौजूद है। ओवरले को यहाँ से किया कॉपी, स्टाइल और सीएसएस में आया, डॉट कंटेनर और कंटेनर के अंदर ओवरले, पोजिशन एब्सोल्यूट और जी इंडेक्स 1 और टॉप टॉप इस काम कर दिए यहाँ पे 0, लेफ्ट भी 0, हाइट 100%, हाइट 100% और विड्थ 100%। और यहाँ पे हम इसको देंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इसको दूंगा मैं लीनियर ग्रेडियंट और टॉप की तरफ। और इसका कलर हमारे पास होगा 37 और 02 और F7। तो ये हमारे पास एक ब्लूश कलर है वो आ गया, और साथ में एक और कलर इसमें लगेंगे 42C2 और FF। ये इसके ऊपर हल्का सा ग्रेडियंट हमने लगा दिया। तो इसको मैं यहाँ पे करूँगा मिक्स ब्लेंड और वो इसका कर दूंगा ओवरले। तो ये इसके ऊपर एक मिक्स ब्लेंड जो है वो लग जाएगा। अच्छा, इसको आप मज़ीद जो है कस्टमाइज़ करना चाहो तो कर सकते हो। अच्छा, टू टॉप और इसका होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे इसको जो ओपेसिटी है वो अगर करूँ, इसके जी इंडेक्स मैं इसको कर के देखता हूँ, अभी आ गया। अच्छा, इसका भी जी इंडेक्स एक कर देते हैं। और ये जो हमारे पास आ रहा है इमेज वीडियो, और उसका भी जी इंडेक्स कर देते हैं 1। तो तब ये हमारे पास इफेक्ट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे दोनों का -1 कर देता हूँ, बाद में आप 1 कर दीजिए। ठीक है, मैं दोनों का -1 कर रहा हूँ, तो दोनों जो है उनकी जो लेयर है वो सेम होगी। जी इंडेक्स का मतलब जिसका जितना जी इंडेक्स होगा वो उतना ऊपर आएगा। तो जब दोनों का जी इंडेक्स सेम होगा तो तब वो एक दूसरे के साथ मिक्स होकर एक ओवरले बन जाएगी, वीडियो भी चलेगी और साथ में एक ट्रांसपेरेंट सी वो ओवरले भी बन जाएगी। उसके बाद हेडर का जो टेक्स्ट है उसको करेंगे, यहाँ मैं कमेंट कर लेता हूँ हेडर टेक्स्ट, और हेडर टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे डॉट कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हमारे पास जो टेक्स्ट वाली क्लास तो उसको मैं यहाँ पे पोजीशन दूंगा एब्सोल्यूट और साथ में जी इंडेक्स का करेंगे 10, ताकि ये हमारे पास ऊपर डिस्प्ले हो। टेक्स्ट अलाइन इसका कर देंगे सेंटर, और साथ में कलर हम इसका करेंगे वाइट, और उसके बाद जो इसके अंदर H1 है उसमें हम करेंगे फॉन्ट साइज 5.5 rem, ताकि जो हमारे पास हेडिंग वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, और फॉन्ट वेट 700, और साथ में मार्जिन बॉटम तो वो इसमें कर देंगे 20 pixels, ताकि उसके दरमियान थोड़ी सी स्पेस जो है वो बन जाए, जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाए। और जो पी का टैग है उसको हम स्टाइल करेंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे पी का टैग। तो पी के टैग को सबसे पहले हम देंगे फॉन्ट साइज, वो इसे हम देंगे 1.4 rem, और साथ में इसको हम देंगे विड्थ हम इसके करेंगे 70%, और साथ में मार्जिन 0 और 8, और साथ में इसके अंदर जो एक टैग है इसमें हमारे पास बटन है ए, और साथ में उसका हम करेंगे पोजीशन रिलेटिव, और साथ में डिस्प्ले इनलाइन लॉक और पैडिंग इसकी 10 pixels टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 40 pixels, ताकि थोड़ा हमारे पास चौड़ा सा बटन हो। और साथ में इसको हम देंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इसका हम देंगे वाइट, और फॉन्ट कलर
फॉन्ट कलर वो इसका हम कर देंगे ब्लैक 111। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस वो इसका हम करेंगे 50 पिक्सल। 50 पिक्सल करना है ताकि उसकी सिर्फ जो कॉर्नर है वो हमारे पास राउंडेड हो। और मार्जिन बॉटम, मार्जिन टॉप, बॉटम सॉरी टॉप 2 RGM और फॉन्ट वेट 500। उसके बाद एक आफ्टर है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, उसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं करूँगा ए और ए का सूडो एलिमेंट आफ्टर। तो उसके जो कंटेंट है वो हम करेंगे एम्प्टी और पोजीशन एब्सोल्यूट और साथ में टॉप, टॉप उसका करेंगे -12%, लेफ्ट -3% और साथ में विड्थ, विड्थ हम इसकी करेंगे 105%, ताकि वो जो इंटायर उसकी विड्थ है उससे थोड़ा सा बड़ा हो। और सेम इस तरह से हाइट भी इसकी हम थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे, वो इसका हम करेंगे 120%। और बॉर्डर हम इसे एक देंगे 1 पिक्सल सॉलिड और वाइट, इसका गिर्द हल्का सा एक बॉर्डर जो वो बन जाएगा। सेम इस तरह से इसको भी बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर रेडियस इसको भी देंगे 50 पिक्सल, ताकि एक दूसरे के इस तरह से लगे कि एक दूसरे के ऊपर एक लाइन जो है स्क्रोल हो रही है। दैट्स इट। अब इसके बाद हमारे पास आता है एक्टिव क्लास। अच्छा, एक्टिव क्लास का काम क्या है? जब भी मैं इस आइकन पे करूँगा क्लिक, तो इसके जो आइकन है इस पर भी एक एक्टिव क्लास लग जाएगी और जो हमारे पास जो ये कंटेनर है उसके उसके ऊपर भी एक एक्टिव क्लास लग जाएगी। ये जावास्क्रिप्ट का कोड जो इसलिए काम करेगा। यहाँ पे हमारे मैन्यू एक हमने वेरिएबल ली, उसमें डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट आइकन, मतलब जिसको हमने लगाई हुई क्लास आइकन डॉट आइकन हमने लगाई हुई इस डिव को क्लास, ये हमारे पास शो हो रही है ये वाली, और इसके अंदर हमने ये आइकन लगाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको करूँगा मैं क्लिक, यहाँ पर लिखा ना हम्बर, हम्बर इस वेरिएबल का नाम और एड इवेंट लिसनर के इसके ऊपर एक इवेंट लगा दो क्लिक, क्लिक वाला। अब इसका मतलब ये कि जब इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक तो क्या हो कि इसके अंदर एक क्लास टोगल हो जाए एक्टिव। टोगल का मतलब ये होता है अगर उसमें क्लास मौजूद है तो रिमूव कर दो, अगर तो ऐड कर दो। टोगल का मतलब होता है यू ये, या मैं क्लिक करूँगा अगर क्लास मौजूद नहीं होगी तो ऐड कर देगा, जैसे उस क्लास को ऐड करेगा उस क्लास के साथ मैं डिफाइन कर दूंगा कि ये इसके साथ प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो जाए। अब इसको मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर क्लास जो है ऐड होगी, क्लास ऐड होगा आपको मैं दिखाऊंगा अभी, उससे पहले मैं यहाँ पे आपको एक लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ मैं दिखा देता हूँ फंक्शन हम लगा देते हैं कि एक्टिव क्लास एक्टिव, और अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ डॉट कंटेनर और कंटेनर के अंदर हम आइकन, और आइकन को अगर लगी हुई एक्टिव क्लास। अब ये CSS के एडवांस सेलेक्टर हैं, मतलब जिस बल्कि हमने यहाँ पे स्पेस डालनी है, कंटेनर के अंदर एक डिव जिसके साथ क्लास लगी आइकन, उसके साथ अगर एक्टिव क्लास भी लगी हो वो किस तरह से ऐड होगी जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, तब ये वाली हमारे पास स्टाइलिंग भी अप्लाई होगा। सेम यही चीज़ यूज़ करूँगा, सेम यही वाला कोड इसी को मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, और सिर्फ यहाँ पे इसका जो आइकन है वो मैं चेंज कर दूँगा। पहले हमारे पास बर्गर था, अब मैंने कह दिया क्लोज वाला आइकन, अब ये इसके ऊपर क्लिक किया, अब इसके ऊपर मैं क्लिक दोबारा करता हूँ तो क्लास इसके ऊपर रिमूव हो रही है। देख समझ आ रही है इस चीज़ की? ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, यहाँ भी आ जाता है इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, और मैं बल्कि इसको बड़ी स्क्रीन पर करता हूँ, कॉपी किया पूरे को और यहाँ पे आते हैं और इंस्पेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आपने फंक्शन देखा इस, ये जो कोड है इसके ऊपर देखिएगा ये वाला और ये आइकन। अब देखो इसके ऊपर मैं क्लिक किया तो ये जो आइकन इसमें उसने एक्टिव क्लास ऐड कर दी। इसको और थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा दो, ये देखिए एक्टिव क्लास ऐड कर दी। फिर दोबारा क्लिक करूँगा तो एक्टिव क्लास रिमूव हो गई। अब इस एक्टिव क्लास के ऊपर मैं स्टाइलिंग अप्लाई कर दूंगा, तो जब क्लिक होगा तो वो स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई होगी, उस स्टाइलिंग में मैं इसको मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज दे दूंगा जो कि अभी आपको मैं दिखाऊंगा अभी। लेकिन जब इसके पे क्लिक नहीं होगा बाई डिफॉल्ट जो मैंने पहले आपके सामने स्टाइलिंग की वो हमारे पास शो हो जाएगी। दैट्स इट। अब उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि डॉट कंटेनर, अगर कंटेनर को जब एक्टिव क्लास लगी हो डॉट कंटेनर एक्टिव, सॉरी एक्टिव
जब इसके इसको एक्टिव क्लास लगी हो तो ये राइट डिवाइस का वो हो जाए 300 पिक्सल, तो 300 पिक्सल ये राइट में चला जाए, तो अब बड़ी स्क्रीन को यूज़ करूँगा। अब देखो, अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये 300% ये राइट पे चला गया जब इसमें एक्टिव क्लास ऐड होगी। जब इसको क्लिक करूँगा तो एक्टिव क्लास इसमें ऐड ही नहीं है, तो बाई डिफॉल्ट जो इसके ऊपर स्टाइलिंग है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब देखो, इस पर क्लिक कर दो, इसका आइकन चेंज हो रहा है, साथ में इसकी जो पोजीशन है वो भी साइड पे हो रही है। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो यहाँ पर स्पेस बन रही है, इस स्पेस के ऊपर मैं जो मेन्यूज है उनको डिज़ाइन कर लूँगा। समझ आ रही है इस चीज़ की? अच्छा, अभी उसके लिए क्या करता हूँ कि इसके नीचे आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा नैव बार डॉट मेन्यू, यहाँ पे लिख लो मेन्यू, लिख लो ये लिख लो मेन्यू लिख लेता हूँ, और मेन्यू को यहाँ पे मैं डॉट मेन्यू, ये हमारे पास क्लास मौजूद है डॉट मेन्यू, उसको मैंने कॉपी किया, स्टाइल डॉट सी एस एस में आया और यहाँ पे लिखूँगा डॉट मेन्यू पोजीशन, पोजीशन इसको दूँगा एब्सोल्यूट, और राइट राइट इसको मैं करूँगा -300 पिक्सल, कि -300 ये इस साइड पे चला जाए। अब मैं लाइव भी खुश, ये देखो, अब ये देखो यहाँ पे किया, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आइकन जो है डिस्प्ले। अच्छा, और अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसको मैं जो विड्थ है वो दूँगा, बाई डिफ़ॉल्ट इसकी विड्थ है वो भी 300 पिक्सल हो, और हाइट इसकी हो 100%, पैडिंग पैडिंग इसकी हमारे हम कर देंगे 20 पिक्सल, तो पिक्सल इसको हमने पैडिंग कर दी। अब मैं यहाँ पे डॉट मेन्यू, और मेन्यू के अंदर जो यू एल है और उसको पोजीशन दूंगा रिलेटिव रिलेटिव, और ये देखो। अच्छा, और उसके बाद इसके अंदर एक अटैग उसको सिलेक्ट करूँगा डॉट ई, तो एक मैं यहाँ पर दूंगा डिस्प्ले, डिस्प्ले इसको मैं दूंगा इन लाइन ब्लॉक, इन लाइन ब्लॉक, और कलर कलर इसको मैं कर दूंगा ब्लैक, ब्लैक के मैं ट्रिपल वन यूज़ करूंगा, तो जो भी आप यूज़ कर लो। उसके बाद इसको मैं दूंगा यहाँ पे पैडिंग, पैडिंग इसको मैं दूंगा 10 पिक्सल टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल, उनके दरमियान एक स्पेस बन जाएगी। ये डबल डॉट लगा, सिंगल डॉट लगाना था, ये देखिए ये आइकन हमारे पास डिस्प्ले हो गया। अब इसके ऊपर हम ये लगा देंगे कि एक कंडीशन है कि डॉट कंटेनर, कंटेनर के ऊपर जब क्लास लगी हो एक्टिव, तो क्या करो उसके साथ सिबलिंग सेलेक्टर प्लस मेन्यू, तो इसका ये यानी उसके बिल्कुल इसके नेक्स्ट है, नेक्स्ट सिबलिंग सेलेक्टर जो है उसका राइट कर दो 0। जब इसका राइट होगा 0 तो ये सैड स्पेस जो ख़त्म कर देगा। अब देखो ये सैड स्पेस ख़त्म कर देगा, इसको क्लिक करता हूँ और फिर क्लिक किया, ये इसने स्पेस ख़त्म कर ली। अब ये नीचे स्क्रोल बांध रहा है, ये देखे ना स्क्रोल बांध रहा है, स्क्रोल को मैं ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारे पास एक इफेक्ट बड़ा खूबसूरत सा इफेक्ट आ जाएगा। उसके लिए मैं इस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए बॉडी वाले टैग में आऊँगा, ये और बॉडी टैग आ गया यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे दूंगा थोड़ा सा यहाँ पे ओवरफ्लो एक्स, वो इसका कर दूंगा मैं हिडन, कि सॉरी ऑटो नॉट ऑटो हिडन, ताकि जो नीचे स्क्रॉल बांध रहा वो हमारे पास हाइड हो गया। अब ये नीचे स्क्रॉल बांध रहा था वो हाइड हो गया, अब एक बड़ा खूबसूरत सा इफेक्ट आ जाएगा ये। अब इसको क्लिक किया तो ये अपनी राइट पोजीशन पे आ रहा है, और अब करता हूँ ये -300 पिक्सल राइट पे जा रहा है, तो ये -300 पिक्सल राइट पे जाएगा, तो हमने इसका ओवरफ्लो हिडन किया हुआ है, तो इससे बाहर जितना भी कॉन्टेंट होगा वो हमारे पास डिस्प्ले नहीं होगा। जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये जो इंटायर कंटेनर है वो 300 इस साइड पे चला जाएगा, और उसका जो 300% है -300% वो ख़त्म होकर 0% आ जाएगा। जब 0% आ गया तो बिल्कुल पेज के ऊपर ही हमारे पास यानी शो हो जाएगा। इस तरह से ये चीज़ें आप काम करेंगे। अब इसमें आप मजीद मीडियो क्वेरी लगा के इसका फॉन्ट साइज काम कर सकते हो, ये छोटी स्क्रीन के लिए, तो वो भी आपको मैं करके दे देता हूँ, यानी इसको रिस्पॉन्स से भी कर देते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक मीडिया क्वेरी लगाऊँगा @media स्क्रीन, और मैं स्क्रीन में इसका लगा देता हूँ मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम डैश विड्थ, और वो इसको लगा देता हूँ 746 पिक्सल, और यहाँ पे लगाऊँगा डॉट कंटेनर, कंटेनर डॉट, और उसके अंदर जो H1 का टैग है,
और फॉन्ट साइज का कितना हो जाए 2rem। अब स्मॉल स्क्रीन जो है उसके ऊपर इसका फॉन्ट साइज जो है हमारे पास 2rem हो गया। और सेम इस तरह से जो हमारे पास पी का टैग है उसको मैं कर लूँगा, तो यहाँ पर सिलेक्ट किया तो यहाँ पी करेंगे नॉट जीरो पी का टैग, और इसका फॉन्ट साइज हम यहाँ पे कर देंगे 15 पिक्सल। यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज भी कम हो गया, मजीद इसकी हम जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, पहले 70% थी, अब यहाँ पर इसकी विड्थ हम कर देते हैं 90%। अब देखो जैसे मैं बड़ी स्क्रीन पर जाऊँगा साथ इसका इंक्रीज हो जाएगा, और एग्जैक्टली हमारे पास आइकन जो है वो काम कर रहे होंगे। ये हमारे पास मोबाइल पे भी परफेक्टली काम करेंगे और हमारे पास जो डिस्कटॉप वर्जन है उसके ऊपर भी ये परफेक्टली काम करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये मैसेज लगाना आ गए होंगे। जो जावास्क्रिप्ट का कोड था वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। तो मैंने तो इसमें आपको जितनी भी चीज़ें थी वो इन डेप्थ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ भी आई होगी। अगर कहीं पर नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में आप मैंशन करो, मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। मतलब इसके लिए अगर मुझे और वीडियो बनानी पड़ी तो मैं और भी बना दूँगा, लेकिन बेसिक मकसद ये था कि आपको बैकग्राउंड में वीडियो लगानी आ जाए, साथ में आपको उसके ऊपर कॉन्टेंट और नया बार मेन्यूज़ वगैरह वो भी लगाने आ जाएँ। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कोई भी सवाल हो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें, और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें और वो ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ साथ ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।